चलो जो बोल रहे वही लिख लो बी एट कोमा जीरो, तो मिड पॉइंट आ गया आपका जीरो प्लस एट बाई टू और माइनस फोर प्लस जीरो बाई टू, तो आ गया मिड पॉइंट फोर कोमा माइनस टू। देखना जल्दी मैं इसको प्लॉट करना चाहूंगा, ये फोर और ये माइनस टू, इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रही है इस लाइन का स्लोप निकालो, ये जीरो जीरो और ये वाला फोर कोमा माइनस टू, इसका स्लोप निकालो। तो इसका स्लोप क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, व्हाट इज द स्लोप माइनस। आया ये समझ में, क्या आया क्या? यस सर। भाई जीरो जीरो और इन दोनों के मिड पॉइंट्स के से निकालने वाला स्लोप, उसका स्लोप निकालना। फिफ्थ के बाद इलेवेंथ, इलेवेंथ तो मैंने दिया ही नहीं बेटा, इलेवेंथ कब दिया? और एट दिया था। और तो यार इलेवेंथ जब मैं हो जाता तो मैंने करवा देता तो हो ही जाता ना, अभी तो बताया नहीं मैंने कंसेप्ट ही, कंसेप्ट भी तो बताना आना चाहिए। चलिए फिफ्थ के अलावा और कोई डाउट जो कल दिए थे बेटा? फिफ्थ के अलावा कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर हमारा नया कॉन्सेप्ट जो ये घूम रहा है ना। हाँ बेटा, ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाला है। लाइन कहाँ कहाँ से पास हो रही है, एक्स वन वाई वन एंड एच के, इसका स्लोप निकालो बेटा बस, एक्स वन वाई वन एंड एच के, एक्स वन बाय वन और एच की, इसका स्लोप निकालो। स्लोप हो गया के माइनस बाय वन, और ये स्लोप किसके इक्वल है सपोज एम की, तो के माइनस बाय वन इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय, क्या यही आंसर दे रखा है? दिया यही दे रखा है? Yes, चलिए और कोई डाउट कर लिए देना सर, पढ़ इंग्लिश का एग्जाम सर पक्का कर लूंगी वो ना, तो उससे बोलो पढ़ेगी इसी बताओ सर, इसके आप प्लान के एग्जाम पर पढ़ेंगे कुछ भी नहीं है सर, तो मैंने दी है इसका प्लान। चलिए सर सुन लीजिए, मैं एनसीईआरटी पर तो कि एग्जाम में तो अप्लाई में से है नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है मुझे, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये सब वो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मान, जरूरत नहीं वैसे वाई एक्सिस की मान, ये वाई एक्सिस मैं मान रहा हूं कि ये पहली लाइन है लाइन वन और ये लाइन टू, ये एंगल बना रहा है थीटा वन, ये बना रहा है थीटा टू, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा, कितना एंगल है दोनों के बीच का? लेट पहले मान लो एम वन इक्वल टू टेन थीटा वन, भाई स्लोप क्या होगा, पहली लाइन का स्लोप क्या होगा एम वन मान लिया और एम टू इक्वल टू टेन थीटा, यहां तक क्लियर? जो बनाया पहली लाइन का स्लोप मान लिया मैंने एम वन, तो एम वन हो गया टेन थीटा वन, और दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो गया टेन थीटा टू। बेटा ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, ये वाला इन दोनों के सम के इक्वल होता है? थीटा वन इक्वल टू थीटा प्लस थीटा टू,
तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ टेन थीटा लगा दो, क्या होता है टेन ए माइनस बी, पढ़ के आ चुके हम, अरे टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, बिल्कुल सही है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, क्लियर? तो टेन थीटा, टेन थीटा वन किसके इक्वल है, आया दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइन, ये कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल है, कभी भी हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला। अब देखो एक चीज और समझो, यदि ये एक्यूट एंगल है तो ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल होगा भाई, पाई माइनस थीटा, मतलब एक एंगल पॉजिटिव आएगा और एक एंगल नेगेटिव आएगा, तो थीटा एंगल बिटवीन टू लाइन, टू लाइंस मे बी एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस बोथ, एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस हो, सो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये है भाई आपका फाइनल फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस, बिल्कुल लिख लीजिए इसको जल्दी से, इसको कॉपी कर लीजिए। यह होगा भाई हमारा एंगल बिटवीन टू लेंस, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, नो केस फर्स्ट, सब दो लाइंस पैरेलल, बेटा पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री, जीरो, प्रॉब्लम हो गया केस फर्स्ट, टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल देन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, बेटा टेन जीरो क्या होता है,
जीरो। तो इसको जब सोल्व करोगे तो बेटा एम वन और एम टू आपस में इक्वल आएंगे, यही आपका थीटा इक्वल टू जीरो लिखोगे तो एम वन और एम टू आपस में इक्वल आएंगे। इसका मतलब यदि कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, सिंपल सी बात हम ये बोलते। यदि कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्लियर है पहली कंडीशन? अभी को क्लियर है बेटा? अंदर ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। और टेन 90 होता है इनफाइनाइट या कोट 90 जीरो, तो कोट 90 मतलब इसका उल्टा। तो जब उल्टा करके जीरो करोगे तो बेटा यहां से आपको एम वन एम टू की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस वन मिलेगी, इसलिए जीरो होगा नीचे वाले। 490 जीरो करोगे या 1090 इनफाइनाइट करोगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो जीरो आएगी, तो एम वन एम टू की वैल्यू माइनस वन होगी। इसका मतलब यदि कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, M1 और M2 का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल हो। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है हमेशा। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। अब देखो इन पर प्रॉब्लम कैसे बनती है वो समझते हैं। इतना लिख लीजिए, बस लिख लिया। चलिए पहली टाइप की प्रॉब्लम। If the lines joining the points 3,4 and 5,2 and line joining the point 7,x and 4,-3 are parallel, find x. पहली टाइप की प्रॉब्लम। पहले दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन दूसरे दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के पैरेलल है, तो हमें x का वैल्यू निकालना। तो कैसे करेंगे ये समझो। स्लोप ऑफ लाइन joining 3,4 and 5,2, पहले इसका स्लोप निकाल दो, नाम दे दो m1। तो ये आ गया 2-4/5-3, y2-y1/x2-x, कितना हो गया -2/2। क्या आ गया भाई m1 स्लोप? -1। कोई दिक्कत है इसमें? इस स्लोप ऑफ लाइन joining 7,x and 4,-3, इसको नाम दे दो m2। तो ये आ गया -3-x/-3। अब तो लिख रहे हैं तो ये, अब आप बोलोगे लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल है तो क्या बोला था बेटा अभी? सो देयरफॉर m2, तो -1 = -3-x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3, तो x का वैल्यू हो गया -3-3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -6। तो हमारा x का वैल्यू -6 होगा जब लाइंस पैरेलल हो। क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। लिख लीजिए इसको। ये पहली टाइप की प्रॉब्लम।
नेक्स्ट एक परपेंडिकुलर वाला कर लेते हैं, वो ऐसा जाएगा लाइन थ्रू द पॉइंट, लाइन थ्रू द पॉइंट्स एट कोमा ट्वेल्व एंड एक्स कोमा 24 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स the points minus 2,6 and 4,8 find x. तो काम तो वही का वही करना है, बस लास्ट कंडीशन अलग कर दी है, काम वही का वही करना है, बस लास्ट कंडीशन अलग करना है. अब कैसे करेंगे, देखो स्लोप ऑफ द लाइन joining point 8,12 and x, 24. Slope of line joining points 8,12 and x, 24 is m equal to 24 minus 12 upon x minus 8. Kitna ho gaya? ये तो एम वन मान. नाउ स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स माइनस 2,6 एंड 4,8 8 माइनस 6 अपॉन 4 प्लस कितना आ गया भाई. अब हमसे क्या बोला है बेटा लाइन सा, अरे तो क्या होगा परपेंडिकुलर. इतनी सी देर में भूल गई थी, क्या बोला था लाइन सा परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू माइनस माइनस 1 m1 m2 इक्वल टू माइनस m1 है आपका 12 अपॉन x माइनस 8 और m2 है 1/3 माइनस 1. तो 4 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस x प्लस 8 तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 4. क्लियर. ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है. ये लाइंस पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1. परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1. क्लियर. चलिए नेक्स्ट करो. जैसे अभी स्लोप वाली बात कर रहे थे तो उसी टाइप पे एक और प्रॉब्लम करता हूँ. If the angle between two lines is pi by 4, we go next problem. If the angle between two lines is pi by 4 and slope of one of the line and slope of one of the line is
वन बाय टू फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन. तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालना then find the slope of other line. तो हम क्या करेंगे स्लोप मानने की भाई दूसरी लाइन का let the slope of other line be n. Let the slope of other line be n. So therefore tan theta is equal to plus minus m minus 1 by 2 upon theta kitna aa paega 1 plus m into 1 by 2. Aaya samajh mein? Are m1 minus m2 to a line ka slope m hai और दूसरी लाइन का स्लोप 1 बाई 2 है. तो tan pi by 4 इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस m इनटू 1 बाई 2. क्लियर है? कैसे लिखा है? समझ आ गया? यस सर. अब tan pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? tan pi by 4 इनफाइनाइट. अरे यार क्या कर रहा है? इनफाइनाइट कहां से हो जाएगी? वन होती है. वन इक्वल टू प्लस माइनस टू एलसीएम लो. टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम. अब एक बार पॉजिटिव साइन लो एक बार नेगेटिव लो. टेकिंग पॉजिटिव साइन तो ये आ गया टू प्लस एम इक्वल टू टू एम माइनस वन. तो माइनस एम इक्वल टू माइनस थ्री. बोलो एम का वैल्यू क्या आ गया? दिया. अब उल्टा आएगा क्या? माइनस वन बाई थ्री आएगा. देखते हैं. टेकिंग नेगेटिव साइन. टू प्लस एम इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टू एम माइनस वन. तो टू प्लस एम इक्वल टू माइनस टू एम प्लस वन. तो थ्री एम इक्वल टू माइनस वन. तो एम का वैल्यू कितना आ गया? तो या तो स्लोप थ्री होगा या so therefore slope of other line be 3 or minus 3. लिख लीजिए भाई इसको. समझ में आया कि नहीं आया? तो slope of other line be 3 or minus 1 by 3. या तो 3 होगा या minus 1 by 3 अरे तुम इवनिंग में आने में इंटरेस्टेड हो तो तभी क्लास लगाओ नहीं तो नहीं लगाओ. जैसे मैंने लिंक नहीं भेजा अभी तक. हमारा कल एग्जाम है तो फिर आज रहने दो. कल से लगा लो. अभी दो तीन दिन जाने भी नहीं आते तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है. अब कल से तो फ्री हो ना तुम सब. नेक्स्ट द स्लोप ऑफ लाइन. द स्लोप ऑफ लाइन बोलो तो मैं यहां द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन.
the tangent of the angle between them, the tangent of the angle between them is 1/2. Find the slope of other lines. तो बाकी लाइन का हमें स्लोप नहीं है. The tangent of the angle between them is 1/2. Then find the slope of other line. Now find the slope of the lines. Tan theta equal to 1/2. Find the slope of the lines. तो नो लाइन का स्लोप नहीं. Left slope of one line be m, then the slope of another line be 2m, then the slope of other line be 2m. Now given aapko tan theta equal to 1/3, so therefore 1/3 equal to plus minus m minus 2m upon 1 plus m into 2. आया समझ में ये? एक लाइन का स्लोप m है, दूसरी लाइन का स्लोप 2m है, और tan theta की वैल्यू 1/3 की बन. तो 1/3 equal to plus minus m minus 2m upon 1 plus m into 2. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. अब देखो इसको. m minus 2m हो गया minus m upon 1 plus 2m square. Now taking positive sign, जब हम positive sign लेंगे तो 1/3 equal to minus m upon cos multiply कर लीजिए 1 plus 2m square equal to minus 3m. तो ये आ गया आपका 2m square plus 3m plus 1 equal to 0. 2m square plus 3m plus m 1 equal to 0. Factor करो ये 2m, मतलब 2m और m, ये आ गया 2m square plus 2m plus m plus 1 equal to 0. 2m m plus 1, 1 m plus 1. तो फैक्टर आ गए m plus 1 और 2m plus 1. तो यहां से m का वैल्यू minus 1 आ गया या m का वैल्यू. तो 2m कितना हो गया भाई लाइन छोटे स्लोप ऊपर n हो गया आपका. तो 2m हो गया minus 2. ये स्लोप ऑफ लाइन आ गया भाई, एक लाइन का स्लोप minus 1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा, डबल होगा minus 2. और minus 1/2 है तो minus 1. क्लियर? ये तो पहला पार्ट नेगेटिव वाला लाइन लिखो भाई इसको यहाँ.
taking negative sign. You have 1 by 3 equal to minus minus plus 1 plus 2m square equal to 3m 2m square minus 3m plus 1 equal to 0 factor minus 2m minus m plus 1 equal to 0 the factor of m minus 1 or 2m minus 1 तो m की वैल्यू 1 और 2m की वैल्यू 1 by 2 तो 2m का वैल्यू 2 और 1 so therefore slopes are slope of lines are चारों को लिख देंगे भाई minus 1 है तो minus 2 minus half है तो minus 1 1 है तो 2 और half है तो ये चार slope हो सकते हैं दोनों लाइन में माइनस वन है तो माइनस टू माइनस वन हाफ है तो माइनस वन वन है तो टू और हाफ है तो दीज आर द स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस इन दोनों लाइन का स्लोप Yes, sir. अब तो मैं एक चीज और समझो इसके आगे भाई स्लोप ऑफ लाइन जनरल स्लोप ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं ये समझो स्लोप ऑफ लाइन जैसे आपकी लाइन है ax plus by plus c equal to 0 तो बेटा इसका स्लोप होगा माइनस ए अपॉन दिस इज द स्लोप ऑफ यदि कोई भी लाइन गिवन है तो उसका स्लोप होगा माइनस ए अपॉन कैसे होगा भी समझा देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये स्लोप ऑफ लाइन होता है जैसे एग्जांपल कभी भी कोई भी लाइन है और उसका स्लोप निकालने के लिए बोल दिया find us what is the slope this is the slope of the line maine bola slope of line 5x minus 3y plus 9 equal to 0 to beta iska slope hoga minus 5 upon minus 3. So what will be the slope 5 upon 3 to iska slope hoga 5 upon 3 lekin इसमें कंडीशन यही है कि x और y दोनों एक ही तरफ होने चाहिए बेटा x और y दोनों एक ही तरफ होने चाहिए जैसे 5x minus 3y plus 9 equal to 0 तो हमने बोला minus x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट अब जैसे एक और मैंने ऐसे बोल दिया स्लोप ऑफ लाइन 3x equal to 7y minus 8 तो पहले आपको दोनों को एक सबको एक तरफ लिखो आप बोलना शुरू पहले मत बोलना तो माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन कितना हो गया भाई डिवाइस ये इसका स्लोप होगा इस तरह से हम स्लोप क्लियर है यस यस सर चलिए लिख लीजिए इसको Next, अगर वो इसपे प्रॉब्लम किस तरह की आएगी ये मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट minus 3 comma 2 and parallel to line
5x minus 3y plus 7 equal to 0. ये वाले लाइन का हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। बेटा इस लाइन के पैरेलल है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप तो इक्वल होगा और स्लोप निकलता है x और y के कोएफिशिएंट से। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर समझने की ट्राई करना और ये आपको याद रखना पड़ेगा ज्यादा अच्छे है, ये तो मैं दूसरे तरह से बात बता दूंगा लेकिन अभी ये देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 5x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज 5x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू, बस सिर्फ कांस्टेंट का अंतर होगा इस पैरेलल। यदि कांस्टेंट का अंतर है अब ये मत समझना वो सर वो प्लस सेवन था तो आपने प्लस के लिख दिया, वो माइनस सेवन होगा तो माइनस के लिख दो, कुछ भी लिख दो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। आपकी इच्छा प्लस के लिखो, टू के लिखो, माइनस टू के लिखो, कुछ भी लिखो लेकिन कांस्टेंट चेंज करना है, मतलब कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा। यदि लाइन पैरेलल है तो बस प्लस सेवन की जगह कोई एक अलग कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई मेरी? यस सर। कोई भी लाइन पैरेलल है तो कांस्टेंट की जगह बस अगला अलग कांस्टेंट लिख दो। नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है? तो एक्स की जगह माइनस थ्री रख दो, वाई की जगह टू रख दो, तो ये आ गया माइनस 15 माइनस 6। तो बेटा यहां से k का वैल्यू क्या आ गया, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 5x माइनस 3y प्लस 21 इक्वल, तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी 5x माइनस 3y प्लस 21 इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट अब मैं पहले परपेंडिकुलर लाइन का केस बता देता हूं। भाई परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला कि 3x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख रहा हूं, समझना बेटा। मैंने बोला m1 m2 क्या होता है बेटा? माइनस वन। तो बेटा m1 m2 माइनस वन कब होगा ये चीज समझो, माइनस वन कब होगा? आपको क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं, इन दोनों को इंटरचेंज करना। x का कोएफिशिएंट लिख दिया 7 और y का लिख दिया 3 और 8 प्लस है तो इसको साइन चेंज करना, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। फिर आप बोलो सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, अभी बताता हूँ। इसका स्लोप कितना है बेटा, अभी क्या बताया था मैंने, और इसका स्लोप कितना हो गया, बोलो कितना हुआ? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो इसलिए ऐसा करना, तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी। और देखो समझो इन दोनों को इंटरचेंज करो, माइनस की जगह
बोलो इसकी परपेंडिकुलर है इस तरह से पहले परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल में डायरेक्ट तो इस तरह की प्रॉब्लम देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट माइनस 7.2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0 इज 8x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0 कोई दिक्कत क्लियर है Now it passes through the point minus 7.2. It passes through point minus 7.2. तो रख दीजिए 8 की जगह x की जगह minus 7.2. तो k का वैल्यू 62 आ गया. Therefore equation of line 8x minus 3y plus 62 equal to 8x minus 3y plus 62 equal to 0. Clear है? Yes, sir. लिख लीजिए इसको. इस प्रश्न में. अब बेटा नया कॉन्सेप्ट तो कल से ही बताएं क्योंकि अब नया कॉन्सेप्ट आएगा इसके बाद होमवर्क की यदि मैं बात करूं अरे क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो बस बाकी दो अच्छा 10.2 में हाँ 10.3 में कर सकते हो याद दिलाए 10.3 में क्वेश्चन नंबर 7 10.3 में क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हो 10.3 में क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों कर सकते हो अब अगला कंसेप्ट आएगा तब जाके आएगी वो सारी चीजें